हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग को अच्छे मालूम है हम लोग कल रात को यहाँ पे स्टे किया था शांति वैली में। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, रात को ढंग से सो भी नहीं पाए और हम लोग थोड़ी देर बाद निकलने वाला है। आज हम लोग का एक्सट्रीम राइड होने वाला है, जो क्या रास्ता में बहुत खतरनाक है रास्ता, अभी मतलब पूरा ब्लैक आइस है रास्ते में। तो देखते हैं अभी क्या करते, जाना तो पड़ेगा, निकलेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए हम लोग कल रात को इधर पे आए थे। तो गाइस अब ये ब्रिज देख सकते हैं, यहाँ से आके हम लोग का एंट्रेंस इधर है, यहाँ से एंट्रेंस है। अब जाने के बाद आप लोग को मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ। आपको मैं दिखाता हूँ इधर, ये जो टेंट है आप रेंट में ले सकते पर डे का 3000 लग सकते। हम लोगों ने दो लिया हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है आप लोग को अगर किसी को पता है तो बताना है, क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है भाई, आ क्या हुआ इधर। कल रात को इधर ही खाना खाया हम लोगों ने। पता नहीं ये क्या है, बना रहा है ना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत टाइम बाद धूप देखने को मिला है थोड़ा, हम लोग जब से वेदर इतना रेनी वेदर है, अभी कम से कम दिखने को मिला है धूप देखने को मिला। मुन्ना दा क्या कर रहा है, बड़ी बिग दा हटा दो, क्या कर रहा है। सो गाइस ठीक है, मैं जितना हो सका मैं दिखा पाया आप लोग को, और अभी आप लोग अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी रेडी होने का टाइम है, बैग पैक करना है के बाद निकलना है फिर से। चलो मिलते हैं रास्ते में। Two hours later. तो हम लोग का खाना पीना हो गया, अभी निकलना है, इतना जल्दी खत्म करो, देर हो गया। हम लोग अभी निकल चुका है देरांग से। चलो बिकिदा निकलो, हम लोग तवांग जाने वाले थे, रास्ते में अभी रुक गए क्योंकि इतना माइनस हो गया, अभी अभी थोड़ा थोड़ा फॉग भी गिर रहा है और हाथ भी पूरा ख़त्म हो गया। मैं ड्राइव कर रहा था, मैं लिटन दा का बाइक चला रहा था, इतना लग रहा है कि नहीं यार, माइनस आ गया ना, और लिटन दा बोल रहा माइनस नहीं आया, देखो स्नोफॉल हो रहा है, देखो ये कुछ काम नहीं आ रहा है ना, मैं ये बाइक चला रहा है तो मेरा हाथ पूरा खत्म हो गया। ये क्या लेके आ गया, नहीं हो रहा है सामने, अभी तो शुरुआत है। इन लोगों का भी रस्सी लगाना है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ये देखो इन लोगों का रस्सी लगा दिया। और इधर इतना ब्लैक आइस है, हम लोगों का भी रस्सी लगाना पड़ रहा है, उपाय नहीं, अभी क्या कर सकते। रस्सी लगाना पड़ेगा, रस्सी नहीं लगाने से, रस्सी लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, नहीं सामने नहीं चाहिए, बस पीछे लगाओ, बस हो गया। ये जो है ना, ये ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस ये जो चीज है ना, ये बहुत दिक्कत देता है, ये सब चीज।
हम बात भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब पूरा एकदम हालत खराब है, देख सकते हो। ये क्या, ये स्टिंग है, आइस स्टिंग। सो गाइस अभी हुआ क्या, हम लोगों ने रस्सी लिया था हम लोगों के लिए, जो बिकी और मेरा बाइक के लिए, और यहाँ का हम लोग का 5 बाइक है, 2 बाइक का रस्सी है और 3 बाइक का रस्सी गुम हो गया। अभी हम लोगों को ऐसा ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डर के अगर जीते मैं चलाएगा ये रॉयल एनफील्ड और देखते हैं क्या होता है। डर लगता यार? नहीं यार, डर के अगर माउंटेन देख सकते हैं इतना ज्यादा फॉग है, हम लोग मतलब बाइक इतना स्लिप हो रहा है, स्कीड हो रहा है, बैक व्हील जो है ना इतना स्कीड हो रहा है, ब्लैक आइस जो है ना उसके वजह से, लेकिन मजा भी आ रहा है उतना, वेदर भी खतरनाक है, इतना ठंडा है, इतना माइनस है यहाँ का टेम्परेचर, सांस भी बहुत लेने को तकलीफ होता है क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, देख सकते हैं कितना दर्द है, एक सेकंड। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सलापास, बाकी आपका कितना 20-25 ऐसा बचा है, उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा सलापास। सलापास में उतना बर्फ नहीं है सुना है, कोई कोई कह रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम हो गया हम लोग का रस्सी गुम हो गया, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी जाना ही पड़ेगा, ऐसा 2 लोगों के पास है रस्सी, हम लोगों के पास नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि ब्लैक आइस है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है, व्हील स्पीड होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है, क्या कर सकते हैं। और इनको देखो ठंडा, इतना ठंडा लगा साइलेंस आन में हाथ लगा दिया तो ग्लव्स का देखा आपने लापरवाही का नतीजा है पागल, और इतना बात भी नहीं कर सकता क्योंकि 13,000 फीट में हम लोग, तो सांस लेने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खत्म होने वाला है दिन, हाथ भी पूरा खत्म, सुनो भैया अभी टेम्परेचर भी नहीं दिखा रहा है, अभी नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो अपडेट नहीं दिखा रहा है, ये देख सकते हैं इतना छोटा रोड है, इसमें एक देखिए एक ट्रक और एक इको भी पास नहीं हो पा रहा है, देखिए ये हमारा बाइक है, अभी रस्सी लगा रहा है, मैं जो बाइक चला रहा हूँ उसमें रस्सी नहीं है, दिमाग खराब हो गया। यहाँ से 5 किलोमीटर है सेला पास के लिए, लेकिन हम लोग उधर भी नहीं पहुंच पा रहे, इतना बाइक स्पीड हो रहा है, क्या बोले कैसे क्या करें पता नहीं, दिमाग खराब हो गया, कोई बोल रहा है टाटा मोबाइल में लेके उठा के लेके जाएगा भाई, क्या कर सकता है, देखते हैं भाई, वहाँ कसम
ये देख सकते हैं। जी क्या चल रहा है भाई? दिमाग खराब हो गया। जस्सी बंदे हो क्या भाई? पहुंचना तो पड़ेगा ना, नहीं पहुंचेंगे तो कैसे? खाली मुंह लगी है आइस टाइप। ठीक ठीक उठो उठो। गरम कर पाएगा जी? सांस फूल रहा है मेरा, सांस का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया भाई। भाई इतना थोड़ी हो रही है, एक थोड़ी उसको आप पैर से पहुंचेगा ना, मर जाएगा। चलो फाइनली हो गया, हम लोग का रिटर्न हो जाता है। रिटर्न जाएगा नहीं जाएगा? रिटर्न नहीं जाएगा, रिटर्न डाउन है करने जाएगा। कष्ट कर से जीवन पूरा गया चक्कर से। हालत दिखे मेरा, सांस भी इतना फूलता है, सांस लेने को भी इतना मुश्किल है, बात भी नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं कितना खतरनाक हालत वाले है। मैं लीटन दा का बाइक चला रहा था, मेरा हालत देखिए दिखी। हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ से, चला पास पास में है। बस यू आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,700 feet। वो ब्रदर यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। ओके ब्रो, आप कभी आ रहे हो तवांग तो यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ से चाय पी सकते हो आराम से। आर्मी कैंटीन है इधर, -7 degree इधर। ये देखो ये पूरा आइस है, पूरा आइस है। और ये देखो ये लोग यहाँ पे अपना जान बचाते हुए। क्या हो गया? अरे इधर क्यों बैठा हुआ है? बाहर रहना था इधर। हाँ चाय पी रहा है वो तो ना, बॉस हो गया। सो गाइस हम लोगों ने चाय वाय पी लिया, अभी यहाँ से निकलेंगे तवांग के लिए। अभी यहाँ से तवांग कितना किलोमीटर लेटर था? 60 किलोमीटर की, सॉरी 77 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, अभी अंधेरा भी होने वाला है, वेदर भी और ज्यादा खराब होने वाला है, तो हम लोग अभी जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से। चला पास से तवांग के लिए अभी निकल रहा है गाइस। A few moments later, गाइस आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, आप ये देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना ठंडा है। ये देखिए, ये बर्फ से बना हुआ। तो आगे जाके हम लोग यहाँ पे जांग के एक जगह है, वहाँ पे स्टे करेंगे रात को होटल पे, क्योंकि यहाँ टेंट वेंट लगाने का कोई सीन नहीं है, इतना ज़्यादा ठंडा है, -4 degree है अभी इधर। तो स्टे मतलब होटल में स्टे करेंगे आज, और कुछ नहीं, कुछ कहने का ही नहीं, मेरा हाथ पूरा खत्म। सो हेलो गाइस, आज हम लोग का एक अनसक्सेसफुल राइड हो गया, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे तवांग लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, इतना स्नो गिरा था, बाइक स्पीड से चला भी नहीं सकता है, इतना ज़्यादा स्पीड हो रहा था, किसी ने तो रस्सी उसी बांध के कोई से आ गया, लेकिन तवांग नहीं पहुंच पाया, रात हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। अभी हम लोग रुका है चांग में, जो यहाँ से तवांग
33 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तवांग नहीं जाएंगे, यहाँ से रिटर्न कल जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, कब क्या होगा पता नहीं है, तो इसलिए अच्छा होगा कि पहले निकल जाते हैं यहाँ से। सो गाइस हेलो, आज का राइड हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था लेकिन बहुत तकलीफ भी था, सब लोग बहुत टायर्ड हो गया, तो रात भी हो गया, यहाँ भी सोने जा रहे। गुड नाइट एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।